नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। चुनावी साल में कर्मचारी संगठनों की तर्ज पर अब जनपद सदस्य भी आंदोलन की राह पर चल पड़े। भोपाल के अंबेडकर मैदान में दूसरे दिन भी सैकड़ों की संख्या में जुटे जनपद सदस्यों ने 10 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जनपद सदस्यों को पुलिस ने प्रदर्शन करने से रोका और वे नहीं माने तो उन्हें गाड़ियों में बैठाकर जेल भेजा गया। पुलिस प्रशासन के द्वारा सभी जनपद सदस्यों को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तो हमारे को लेने आएंगे ना, जेल में कौन खड़ा ना आएगा। वही राजधानी भोपाल में सिल्वर इन होटल में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रांतीय संभाग जिला पदाधिकारियों की बैठक प्रांतीय अध्यक्ष भरत पटेल की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें कई विषयों पर चर्चा की गई। प्रदेश के सभी जिलों के पदाधिकारी भी शामिल हुए। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों, प्रांतीय पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, संभागीय अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, प्रांतीय बैठक यहां पर आयोजित की, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारे अध्यापक शिक्षक संघ के कर्मचारी हैं, जिनको 12 वर्ष 24 वर्ष सेवा पूर्ण करने के बाद 2018, 2019, 2020, 23 में प्रोन्नति का लाभ मिल जाना था, वो 3-4 वर्ष बीतने के बाद भी आज दिनांक तक उनके क्रमोन्नति के लाभ नहीं हुए, जो शासन के नियमानुसार उनको प्राप्त हो जाना था। रही बात 2012 से, चाहे वो ओबीसी आरक्षण का मामला हो, चाहे किसी भी मामले को लेकर के हो, लेकिन कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हो रही, तो इसके लिए निर्णय कौन लेगा, इसका निराकरण कौन करेगा? इस पदोन्नति के लेकर के जो लोग रिटायर होते चले जा रहे हैं उन पे क्या कष्ट है, उसके संबंध में भी आज समीक्षा की गई। हमारे बहुत से शिक्षक हैं जो रिटायर हो गए, वर्तमान में उनकी 50,000 रुपये पेमेंट थी, जिसकी 40,000 पेमेंट थी, आज रिटायरमेंट के बाद उनको 1500 रुपये मिल रहे हैं पेंशन के रूप में, और किसी को 800 रुपये मिल रहे हैं और किसी को 2000 रुपये मिल रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी तकलीफ है। हम संगठनात्मक रूप से सरकार को ज्ञापन देते हैं, हम कभी कभी रैलियां निकालते हैं, सांकेतिक रूप से सरकार को बताते हैं कि हमारी ये समस्याएं हैं, न्यायाधिकारियों द्वारा उस समस्याओं के समाधान के लिए कोई बैठक की जाती है, न विभागीय मंत्रियों द्वारा उस समस्याओं के संबंध में चर्चा की जा रही,
और मुख्यमंत्री जी द्वारा उसमें निर्णय नहीं लिया जा रहा अभी तक। जब आज की स्थिति में सब राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनाव में उनको चुनाव की चिंता सताने लगी है, तो कर्मचारियों को भी इस बात की चिंता सता रही है कि जो हमारी 4 साल से समस्याएं लंबित हैं उनका निराकरण यदि ये सरकार नहीं करेगी तो कौन सरकार करेगी। इसलिए आज जो बैठक थी, आज हमने अपने आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों की बैठक ली है, सभी का आज विचार लिए गए और सबका कहना है कि हम सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपने मंत्री जी से और अधिकारियों से एक बार और चर्चा करें, उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराएं और यदि समस्याएं निराकरण नहीं होती तो आने वाले वर्ष में उनका भी भविष्य दाव पे लगा है और हमारा भी भविष्य दाव पे लगा है। वो अपना भविष्य बनाने की सोचेंगे तो हमारा भविष्य बन जाएगा अपने आप। और अभी हम इस बैठक के बाद, ये हमारी संगठन की बैठक है, इसके बाद हम आज या कल में अन्य संगठनों के साथ भी बैठक करेंगे और हमारा ये व्यवस्था रहेगी या हमारा ये ऐसा मत है कि हम एक एक दो दो संघ यदि पर सरकार से अपनी बात को नहीं रख पा रहे तो यदि हम मध्य प्रदेश के तमाम सभी कर्मचारी संघों को इकट्ठा करके हम अपनी बात को रखने के लिए कोई तरीका अपनाना पड़ेगा तो हम उस तरीका को अपनाने के लिए हम सारे संघ बातचीत कर रहे हैं और आगे जो रणनीति बनेगी वो निश्चित तौर पर एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार होगी और एक तरफ मध्य प्रदेश का पूरा कर्मचारी होगा। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।